बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 काफी समय से चर्चा में बनी हुई है और लोग इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। फाइनली 23 फरवरी को फिल्म आर्टिकल 370 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। यामी गौतम की इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 को देखने के बाद लोग ट्विटर पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इस फिल्म को लेकर आ रहे रिएक्शन को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यामी गौतम की एक्टिंग खूब पसंद की जा रही है। आइए जानते हैं कि यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 को लेकर लोगों ने क्या क्या रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, यामी गौतम धमाकेदार लग रही हैं। आर्टिकल 370 बड़ी फिल्म साबित होगी, परिवार के साथ जरूर देखने जाएं, जय हिंद। वहीं एक ने लिखा, सभी राष्ट्रवादियों से अनुरोध है, मैंने स्पेशल स्क्रीनिंग पर शानदार फिल्म आर्टिकल 370 देखी, कृपया इस फिल्म को देखें क्योंकि यह भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाती है। यामी गौतम जी का NI अधिकारी का रोल शानदार है, यह मोदी सरकार के साहस और फील्ड अधिकारियों के समर्पण को दर्शाता है। वहीं एक ने लिखा, हैट्स ऑफ, बहुत जानकारीपूर्ण, बहुत भावनात्मक आर्टिकल 370 के लिए आदित्य जम्वाले, आदित्य धर फिल्म, मोनल ठक्कर, अर्जुन धवन, जी स्टूडियो को सलाम। यामी गौतम फिल्म की मजबूत रीण है, उन्हें पूरी कास्ट और क्रू से बहुत अच्छा समर्थन मिला है। यामी गौतम के फिल्म आर्टिकल 370 को आदित्य जम्वाले ने डायरेक्ट किया है। फिल्म आर्टिकल 370 को यामी गौतम के पति आदित्य धर ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म आर्टिकल 370 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 से जुड़ी कहानी को दिखाया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 में यामी गौतम ने जूबी हस्कर नाम के एक लोकल एजेंट का किरदार निभाया है जो एक क्रिटिक मिशन पर है। इस फिल्म में अरुण गोविल नरेंद्र मोदी के रोल में दिख रहे हैं जो काफी जच रहे हैं। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।